हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हीयर आएम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉस्टिंग तो कॉस्टिंग के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे कौन से चैप्टर्स के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे एंड uh, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था थियोरी क्वेश्चन के ऊपर तो ये थियोरी क्वेश्चन भी है और ये बेसिकली हर यूनिवर्सिटी पेपर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसमें से ये थियरी क्वेश्चंस है तो ओवरऑल ये कुछ थियरी क्वेश्चन है ये अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे तो इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते बिकॉज कहीं ना कहीं जो थियरी है दैट इज़ बीन रिलेटेड विद योर ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर कैसे गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो इतना ज़्यादा हमने कल एक से डेढ़ से दो घंटे का जो रिविजन किया था उसके बे पॉइंट्स आपको हेल्प हुए कि नहीं एग्जाम में और ये चैनल में जितने सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए थे वो अगर आपने प्रॉपरली देखे भी होंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें कल के पेपर में हेल्प हुई रहेगी तो बेसिकली कल जो हमने रिविजन किया था उसके बेसिस पे आपको ये पेपर में सारी चीज़ें आपने आ, देखी होगी और उसी तरीके के क्वेश्चन यूजली आते हैं तो अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो सेम सेमसिक्स में कॉस्टिंग में सबसे पहले थियोरी ही डिस्कस कर लेते हैं फिर धीरे धीरे आगे जाते हैं चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे और मैंने कल जैसे आपको वीडियोस दिए थे हर चैप्टर के रिलेटेड वो भी आपको मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूँ तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आपका नाम लिखे और कॉलेज का नाम लिखे ताकि मुझे पता चले एग्जैक्टली कौन से बच्चे ज्वाइंट हुए हैं इस लाइव सेशन में और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें बिकॉज़ ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है ये जो थ्योरी क्वेश्चन है ऐसे नहीं कि ये थियोरी क्वेश्चन मतलब इसी में से पेपर में आएगा लेकिन ये सारी चीज़ें हर चैप्टर के बेसिक बेसिक चीज़ें हैं अगर आप ये सारी चीज़ों को रिवाइज करके जाओगे तो यूजुअली आपके ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं जो है वो हो सकते हैं तो मैं क्विकली जाता हूँ पहला क्वेश्चन है स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग ऑफ टारगेट कॉस्टिंग सेकेंड है एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिर है हमारा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट है उस चैप्टर में से देन आपका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद अगर हम डिस्कस करें तो आपका पार्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बाद आपका आएगा मटेरियल वेरिएंसेस वर्सेस लेबर वेरिएंसेस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल लॉस एंड गेन नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स नेक्स्ट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो उसके बाद आपका क्वेश्चन है वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड देन पढ़ना है आपको प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट देन है एलिमेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिटेंशन मनी एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं थियरी मैंने फटाफट ले लिया अभी हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है और वो है प्रोसेस कॉस्टिंग ठीक है काफ़ी सिंपल है बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो वीडियोस को ध्यान से देखिए काफ़ी इजी जाएगा देखो अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले मैं आपके साथ लेवल्स डिस्कस करता हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं सबसे पहली जो लेवल है वो है नॉर्मल लेवल नॉर्मल लेवल का मतलब है जिसमें आपको इनपुट uh, दिया रहेगा एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया रहेगा मतलब आपको इसमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है तीन प्रोसेस प्रिपेयर करो एबनॉर्मल लॉस गेन प्रिपेयर करो इस बार क्वेश्चन बीस मार्क्स के हैं तो सारे लेजर्स आप प्रिपेयर करके रखें सेकेंड जो लेवल है वो है आपका सेल का लेवल जिसमें हम क्या करते हैं क्रेडिट साइड में प्रोसेस के एंट्री करते हैं बाय बैंक ये आपका सेकेंड लेवल है इसमें भी आपको तीन प्रोसेस बनाने हैं एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन एंड वी हैव टू प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो ये कॉस्टिंग पी एंड एल में भी इसमें पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका ट्वेंटी मार्क्स हो सकता है तीसरा जो पार्ट है दैट इज स्टॉक लेवल मतलब स्टॉक लेवल में आपके पास क्या होता है ए ए स्टॉक बी बी स्टॉक सी सी स्टॉक ऐसे आपके लेवल्स होते हैं तो अगर ये तीन लेवल्स को आप परफेक्ट कर लो तो ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के ऑप्शन में भी प्रोसेस कॉस्टिंग ही क्वेश्चन पूछा तो अगर प्रोसेस कॉस्टिंग के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और उस केस में ये प्रोसेस कॉस्टिंग का जो चैप्टर है वो आपको फुल मार्क्स जो है वो दे देगा अगर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आता है तो मैंने सारे टाइप्स ऑल वराइटीज़ के मैंने सम्स जो है वो सॉल्व करके रखे हैं और इसमें हम एक स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमें ओवरऑल एबनॉर्मल लॉस या गेन जो है वो पहले ही पता चल जाता है तो ये आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में से तीन लेवल पढ़ने हैं तो मैं ये बेसिकली पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो उन सबके लिए है जो लोगों ने पढ़ लिया है और अभी उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम लास्ट में फोकस करें और जिन लोगों ने पढ़ाई किया नहीं है जिनको डर लगता है कि हम अभी क्या करें लास्ट मोमेंट में तो वो भी बता रहा हूँ और ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद आपको कल जैसे सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ इसके साथ ही आ, मिलने वाले हैं जो हमारा सेकेंड टॉपिक है सेकेंड टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखो मैं पहले ईजी ईजी चैप्टर पहले लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर हम वो कॉस्ट कंट्रोल बिन्ट्रोल वो सारे चैप्टर्स में जाएंगे देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जो लेवल्स है ध्यान से ये लेवल्स को सुनना सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में लेवल है दैट इज मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट होता है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर ये आपको ध्यान रखना है पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर दैट इज योर फर्स्ट लेवल सेकेंड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है मल्टीपल ईयर्स ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टीपल ईयर्स सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है एक ही कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन ईयर्स बहुत सारे हैं. और तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ये तीन मेजर लेवल्स है इसी पे से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ध्यान रखना तीनों लेवल्स करके जाना हो सकता है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन भी कॉन्ट्रैक्ट के आ जाए सेम चैप्टर के ऑप्शन में सेम चैप्टर आ जाए तो बिल्कुल भी ये चैप्टर ऑप्शन में ना रखे लेंदी चैप्टर है पोस्टिंग के मार्क्स मिलेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर मतलब इसमें क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी कॉन्ट्रैक्ट सी एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट और हर एक का जो भी प्रॉफिट वगैरह आएगा नोशनल प्रॉफिट जो भी आएगा वो दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा तो वो आपको पहली लेवल ध्यान रखनी है दूसरी लेवल होती है कॉन्ट्रैक्ट एक ही होता है लेकिन मल्टीपल ईयर्स का सॉल्व करते हैं हम ये थोड़ा सा रिस्की टाइप का क्वेश्चन है बिकॉज इसमें जो भी हमारा डब्ल्यू होता है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड वो हम एक ईयर में से सेकेंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं मतलब फर्स्ट ईयर में हम कैरी डाउन करेंगे सेकेंड ईयर में हम ब्रॉड डाउन करेंगे और तीसरा जो हमारा होता है दैट इज़ बीन एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी प्रिपेयर करते हैं ऐसे थ्री टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने हैं अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्टिंग में कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है लाइव सेशंस भी मैंने लिए थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के वो आप जाके देखिए आपका काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ हो जाएगा और सारी चीज़ें जो भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होता होगा डर लगता होगा कि कॉस्टिंग में हमको क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है वो सारा आपका डर जो है वो निकल जाएगा तो दिस टू चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी फर्स्ट बिकॉज इफ़ यू सी बोथ द टॉपिक्स का वेटेज जो है वो 20-20 मार्क्स का है इसका मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग भी बीस मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी आपका जो है वो बीस मार्क्स का अभी इसके बाद इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर थर्ड आता है चैप्टर नंबर थर्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ प्योरली फार्मूला बेस्ड टॉपिक ठीक है बहुत ही सिंपल है एस क्यू एस पी ए क्यू ए पी ठीक है ये हमारे हो गए मटीरियल के और एस एच ए एच एस आर ए आर ठीक है ये हमारे हो गए लेबर के तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है फॉर्मूला कैसे प्रिपेयर करना है मैंने ऑलरेडी आपको दस वीडियोस बना के दिए थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वो भी आप जाके देख सकते हैं और काफी सिंपल तरीके से आपको फार्मूलाज याद हो जाएंगे बिकॉज ये फॉर्मूलाज ही इस चैप्टर का क्रक्स है तो आपको मटेरियल वेरिएंसेस इसमें ढूंढने हैं सबसे पहला आपको कौन सा वेरिएंस ढूंढना है मटेरियल और यहाँ पे आपको कौन सा वेरिएंस ढूंढना है लेबर वेरिएंस तो हम अगर बात करें तो थ्री मटेरियल वेरिएंसेस एंड थ्री लेबर वेरिएंसेस तो ओवरऑल हमको सिक्स जो है सिक्स वेरिएंसेस ढूंढना है काफ़ी सिंपल है मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको दे दिया है कि फॉर्मूलाज को कैसे याद रखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके कॉस्टिंग का प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे दैट विल बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड दिस विल बी फॉर टेन मार्क्स ऐसा हो सकता है कि ये टेन मार्क्स का आए और बीस मार्क्स के लिए आए तो काफ़ी बढ़िया ही है नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक है ये हमारा बन सा चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग देखो ये भी एक चैप्टर जो है ये भी एक चैप्टर फॉर्मूला बेस है और हो सकता है कि ये भी चैप्टर दस मार्क्स का आए लेकिन अगर बीस मार्क्स का आया तो काफी बढ़िया है तो ये दस मार्क्स का आने के चांसेस है देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेस जो है दैट इज कॉल्ड एज पी वी आर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये एक इक्वेशन आपको याद रखे जाना है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसको आपको सॉल्व करके दे दिए हैं फिर भी अगर आप पहली बार इस चैनल पे आज आए हो किसी फ्रेंड ने आपको भेज दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है आप जाके देखिए और ये लास्ट मिनट के रिविजन के वीडियोस इतने पावरफुल है कि काफ़ी बच्चे इस वीडियोज से ही पास हो जाते हैं तो जिनको भी पास होने के लिए डर लगता है जिनको ऐसे लगता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए तो दैट इज़ माय मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस ऑल वीडियोस तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें जिनको भी डर लगता है और उन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें अगर रिवाइज कर ली तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको आइए एग्ज़ाम में देने वाला है तो पी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कैलकुलेशन ऐसे आपके इस फार्मूलाज है फार्मूलाज अभी मैं डिस्कस नहीं करता हूँ ये पूरा एक मेजर क्रक्स लेने के बाद आपको हर वीडियो मिलने ही वाला है उसके बाद हमारा सबसे लास्ट और आखिरी टॉपिक जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम देता है और इसका मैंने एक हल ढूंढा था कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का दैट इज़ बीन द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स जो हमारा पार्ट है वो क्या है बेसिकली तो ये जो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट है इसमें बहुत सारे कंट्रोल अकाउंट्स बनते हैं स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट वेजेस कंट्रोल अकाउंट एंड इस पर हमने कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स से मैंने आपको याद दिलाया था कि आप इस चैप्टर की जरल एंट्रीज़ को कैसे याद रख सकते हैं तो ये चैप्टर बेसिकली बच्चे सोचते हैं कि ऑप्शन में डाले देखो ये चैप्टर बेसिकली डिफ़िकल्ट नहीं है चैप्टर तो काफ़ी ईजी ही है लेकिन स्टूडेंट्स फाइंड दिस चैप्टर डिफिकल्ट सिंस दस से बारह लेजर्स आपको ड्रॉ करने हैं, लेजर्स ड्रॉ करने के बाद उसको क्लोज करना है क्लोज करने के बाद उसमें से बैलेंसेस ढूंढने हैं एंड फाइनली जाके हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है

तो इसमें से सबसे पहले प्रोसेस पे फोकस करना है फिर कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करना है कॉन्ट्रैक्ट के बाद 10 10 मार्क्स के स्टैंडर्ड मार्जिनल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके बाद आपको कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट के ऊपर फोकस करना और जो थियरी क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं आपको ये कुछ थियरी क्वेश्चन लास्ट एक तीन से चार साल के पेपर्स मैंने दिखे तो तीन से चार साल के पेपर्स जितने भी थे उसमें ये सारे थियरी क्वेश्चन ही पूछे गए थे तो उसमें से ये थियरी क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं भले इसमें से थियरी क्वेश्चंस नहीं भी आए पेपर में लेकिन ये अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते हो तो उसको आपको काफी ज़्यादा फायदा ऑब्जेक्टिव्स में होगा बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आप थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होगा आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी अब हम मिलते हैं हर टॉपिक का रिविजन एक, एक 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 वीडियो आपको मिलते रहेगा लाइन से तो जैसे जैसे आपके पॉइंट्स है आपने अगर सारी चीज़ें पढ़ ली है तो वीडियो को ध्यान से देखें अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी देखें और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है आपके चैप्टर से रिलेटेड रिवाइज हो जाएगी आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो हेल्पफुल हो रहे हैं अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल हो रहे हैं तो फिर मैं आगे आपको इकोनॉमिक्स मार्केटिंग टैक्सेशन ऐसे सारे जो वीडियोज़ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा थैंक यू वेरी मच अभी आपको वीडियोस मिल रहे हैं आपको अगला वीडियो मिलेगा इसके साथ ही लिंक है तो आप कहीं जाना नहीं है आपको यहीं पे वेट करना है आपको सारे वीडियोस कॉस्टिंग के जो सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स है उसके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अभी और जैसे जैसे आप ये वीडियोस को देखोगे वैसे वैसे जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है सारी आपकी रिवाइज हो जाएगी थैंक यू कंटिन्यू करते हैं रिविजन के साथ नाउ वी आर डीलिंग विद द चैप्टर कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस के बारे में आपने देखा ही होगा कोई भी जो प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम कुछ इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद धीरे 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 आगे बढ़ते जाता है कुछ पार्ट आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है मतलब काम चालू है और उसके बेसिस पे लास्ट में आपको फिनिश गुड्स मिलता है यही सारी चीजों को इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है प्रोसेस कॉस्टिंग के बेसिस पे तो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज बेसिकली अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेयर वी आर आइडेंटिफाइंग और वेयर वी आर एसरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट हुआ है ईच प्रोसेस में को कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट डायरेक्टली एक प्रोसेस से नहीं बनता जैसे अगर दूसरे स्टेप में जाएगा दूसरे स्टेप में से तीसरे स्टेप में जाएगा और फाइनली फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो दैट इज दार्टच वी आर गोइंग टू डिस्कस तो ये सारी चीजों के लिए जो कॉस्ट इनकर होगा वो एक्चुअली जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तब हमें फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट पता चलेगा लेकिन अगर हम इंडिविजुअल प्रोसेस वाइज कॉस्ट ढूंढना चाहे तो किस तरीके से ढूंढेंगे इसीलिए ये चैप्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग वेयर वी आर बेसिकली आइडेंटिफाइंग और वेयर वी आर एसरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रिलेटेड टू ईच प्रोसेस तो दैट इज द सिंपल मीनिंग तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट each stage of the manufacture where material is passed through various operations to obtain the final product so final product banne ke liye jo bhi humne material ka input kiya hai wahan se leke final product banne tak जितने भी steps आपने follow किए होंगे या जितने भी process से वो material एक process से दूसरे में गया होगा वो सारी चीज़ों के ऊपर आपका कितना कॉस्ट हुआ है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि इंडिविजुअल प्रोसेस में हमारा कितना कॉस्ट है दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस एंड दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट प्रोसेस कॉस्टिंग तो आगे बढ़ते हैं काफ़ी चीज़ों को हमको पढ़ना है इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपको इस चैप्टर में बार बार आएंगे सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा नॉर्मल लॉस तो अगर हम हमारे मशीन्स में समझो वन थाउजेंड यूनिट्स का इनपुट करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग कि वन थाउजेंड आप इनपुट कर रहे हो तो वन थाउजेंड का ही आउटपुट नहीं मिलेगा उसमें से सर्टन परसेंटेज हमारा लॉस हो जाएगा जिसे हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं मतलब वैसा लॉस तो होने ही वाला है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में दैट लॉस इज पॉसिबल इन दर्गेनाइजेशन और वो होकर ही रहेगा तो ऐसा जो लॉस है हम अवॉइड नहीं कर सकते वी कैन नॉट अवॉइड द द लॉस इट ऑकर्स इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में वो लॉस होता है ऐसे लॉस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो so, आप देख सकते हैं इट इज ऑल्सो रेफर टू एस नॉन कंट्रोलेबल लॉस फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू इवोपरेशन और प्लिफरेज नॉर्मल लॉस इज कैल्कुलेटेड एज अ सर्टन परसेंटेज ऑफ इनपुट इन यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन द रेस्पेक्टिव प्रोसेस तो नॉर्मल लॉस जो है जैसे इवोपरेशन में आपका लॉस हो गया प्लिफरेज किसी ने थोड़ी थोड़ी बहुत चोरी कर ली ऑर्गेनाइजेशन में उससे आपका लॉस हो गया तो ये नॉर्मल लॉस है इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कभी भी हो सकता है और होने ही वाला है तो चोरियाँ होने ही वाली है ऐसा नहीं है लेकिन इवोपरेशन का लॉस तो होने ही वाला है तो दैट तो इज़ दी नॉर्मल लॉस तो इट इज़ नॉन कंट्रोलेबल लॉस आपको ध्यान रखना है एंड दिस इज लॉस विच इज रिलेटेड विथ दी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मल लॉस के बाद जाएंगे एबनॉर्मल लॉस देखो एबनॉर्मल लॉस ऐसे टाइप का लॉस है जो एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है जिसको हमने प्रडिक्ट नहीं किया था फिर भी हो गया मतलब कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो गई लेबर की तो अभी हमें क्या होगा हमने जितना लॉस सोचा था उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा बिकॉज लेबर की स्ट्राइक होगी तो उसका इम्पैक्ट सीधा प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा एंड प्रोडक्शन के ऊपर पड़ने की वजह से देर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम तो एबनॉर्मल लॉस इज अवॉइडेबल हम उसको अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज अगर लेबर स्ट्राइक क्यों करेंगे लेबर को उनके रेम्यूनरेशन में या जो वेजेस उनको मिलते हैं उसमें हाइक चाहिए तो लेबर स्ट्राइक करेंगे तो दिस इज दी कंट्रोलेबल फैक्टर यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर मैनेजमेंट का और लेबर का अच्छा खासा रिलेशन बन गया अच्छा खासा रैपो बन गया जो एक्सपेक्टेशन उनके हैं वो उनको अगर मिल गए प्रॉपरली तो ये लॉस हम अवॉइड कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस फर्दर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपको एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल गेन आराइज वन एक्चुअल वेस्टेज इज़ लेस देन द नॉर्मल वेस्टेज ठीक है एक्चुअल वेस्टेज आपने सोचा कुछ और था और उसका हुआ कुछ और इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखो हमने इनपुट किया थाउजेंड यूनिट्स का ये हमने क्या किया ये हमने इनपुट किया है इनपुट इज़ थाउजेंड यूनिट्स और उसमें से हमने नॉर्मल लॉस देखा तो नॉर्मल लॉस से फॉर एग्जाम्पल हमारा नॉर्मल लॉस था टेन परसेंट तो हमारा नॉर्मल लॉस हुआ हंड्रेड तो हमको आउटपुट कितना मिलना चाहिए एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा है 900 लेकिन हमने जब हमारा एक्चुअल आउटपुट देखा इतना मिलना चाहिए था लेकिन हमने देखा कि हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है एक्चुअल तो आउटपुट हमारा है नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी मतलब हमने सोचा था नाइन हंड्रेड होगा लॉस करके लेकिन निकला कितना नाइन फिफ्टी तो अभी यहां पे नाइन हंड्रेड में से फिफ्टी नाइन फिफ्टी माइनस करेंगे तो पचास रुपया नेगेटिव आएगा तो इसको हम कहेंगे एबनॉर्मल गेन ये सब फॉर्मेटिंग है ये आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करवाऊंगा अगले जो सेशन हम पढ़ने वाले हैं बिकॉज वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस तरीके से एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमारे पास पूरे तीन प्रोसेस का आंसर अवेलेबल रहेगा तो उस तरीके से पढ़ेंगे ताकि प्रोसेस में आपके फुल मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होने वाले बिकॉज हम इस तरीके से करने वाले हैं इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इमरजेस इन द क्वेश्चन पेपर यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्विकली तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो एबनॉर्मल गेन इज दैट पार्ट एबनॉर्मल गेन अराइजेस ड्यू टू राइज इन द दफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट इज द पॉइंट दैट दू टू रिमेंबर तो हमने तीन कंसेप्ट टोटल पढ़ लिए है स्टेप वन हमारा कौन सा था हमने क्या पढ़ लिया नॉर्मल लॉस देन वी हैव कवर्ड एबनॉर्मल लॉस और तीसरा हमारा है एबनॉर्मल गेन अब आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है इनपुट ये मैं बार बार आपको रिवाइज करवाऊंगा जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिलहाल थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि पहला स्टेप हम हमेशा इनपुट लिखेंगे इनपुट कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ द प्रोसेस प्रोसेस के डेबिट साइड में हम इनपुट लिखेंगे स्टेप नंबर टू होगा हमारा ऑल एक्सपेंसेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रोसेस स्टेप नंबर थ्री होगा हमारा नॉर्मल लॉस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस स्टेप नंबर फोर्थ होगा हमारा कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट स्टेप नंबर फिफ्थ हमारा होगा एबनॉर्मल लॉस और गेन और स्टेप नंबर सिक्स हमारा होगा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करो तो आपका कोई भी प्रोसेस कभी भी गलत नहीं होगा उसको हम बार बार लिख के प्रैक्टिस करके याद करके सॉल्व करेंगे तो दैट आपके कोई भी प्रोसेस में कोई भी एरर ना हो बिकॉज अगर एक प्रोसेस में आपका एरर हो गया तो वही एरर आपका सेकेंड प्रोसेस में भी जाएगा फिर सेकेंड से वो थर्ड प्रोसेस में कंटिन्यू होगा तो इसलिए हमें फर्स्ट प्रोसेस बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे तरफ से कोई भी चीज़ों में गलत ना हो तो दैट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो वाइल प्रिपेरिंग द प्रोसेस अकाउंट तो देर इज अ फॉर्मूला फॉर कैल्कुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट सी पी यू या कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड एस पर द फॉर्मूला टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट विच विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड आउटपुट तो यही फॉर्मूला से हम कॉस्ट पर यूनिट को कैल्कुलेट करने वाले हैं जो हमें हर प्रोसेस में करना जरूरी है एवरी प्रोसेस वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट बिकॉज द कॉस्ट पर यूनिट विच वी आर कैलकुलेटिंग विल बी यूज फॉर वैल्यूइंग द एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन एवरीथिंग थिंग थेरोटिकल जितनी चीजें अभी बताई सारी थेरोटिकल है सारी चीजों को प्रैक्टिकल करेंगे डोंट वरी अबाउट दैट कि जितनी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें से टेन परसेंट भी आपके अगर दिमाग में जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी के जो नाइन्टी परसेंट है वो सारी चीजें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्लियर होने वाले हैं दैट इज़ पॉइंट फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन या किस तरीके से इस चैप्टर में क्वेश्चन है तो पहला है विदाउट एबनॉर्मल लॉस और विद एबनॉर्मल लॉस तो एबनॉर्मल लॉस के बिना भी हो सकता है एबनॉर्मल लॉस के साथ भी हो सकता है दूसरा टाइप है सेल टाइप क्वेश्चन जो यूजुअली पेपर में पूछा जाता है और तीसरा टाइप है स्टॉक टाइप क्वेश्चन जिसमें हम प्रोसेस अकाउंट के साथ प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी प्रिपेयर करने वाले हैं तो दैट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी रिलेटेड विद द प्रोसेस एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू गेट सभी कुछ आपको फॉर्मेट वाइज करवाऊंगा सभी वैरायटीज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आप भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहे ताकि आपको इसके बेनिफिट्स तो एग्जाम में तो आपको पेपर में प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए पूछा जाता है लेकिन प्रोसेस अकाउंट्स बनाने से पहले एक स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं जिसको हम वर्किंग नोट्स के बेसिस पे कैलकुलेशन सीखते हैं और ये जो वर्किंग नोट्स है इट्स अ पार्ट ऑफ आंसर इसीलिए

आफ्टर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स वी कैन हैव दी आंसर कि हमारे पास ऑलरेडी आंसर अवेलेबल होगा कि स्टेटमेंट नंबर वन में स्टेटमेंट नंबर टू में और स्टेटमेंट नंबर थ्री में किस तरीके से हमें एबनॉर्मल लॉस आएगा गेन आएगा क्या क्या चीजें होगी तो ये अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया तो बाकी आपको रॉन्ग होने के चांसेस काफी कम है और आपको यहाँ से फुल मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर वन है अ प्रोडक्ट पासस थ्रू थ्री प्रोसेस ए बी एंड सी the input in the process a was 20000 units normal losses a ka 2% b ka 5% or c ka 10% The actual output is given to you. Prepare statement of unit. Paper में तो process account बनाएंगे लेकिन धीरे धीरे हम आगे के points सीखेंगे अब statement of units बनाने का सबसे पहला base है इस statement में उंट इन दूनिट्स हम सिर्फ उसमें यूनिट लिखेंगे ताकि अपना जितना भी कैलकुलेशन हो सब सही हो सबसे पहले फॉर्मैट देखो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मैट है यह फॉर्मैट ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिस कर करके लिख के इसको आप याद रख सकोगे तो दैट इज वेरी सिंपल इनपुट एड एडिशनल इनपुट तो यू विल गेट द आंसर है टोटल इनपुट लेस नॉर्मल लॉस एक होता है वेट लॉस दूसरा होता है स्क्रैप लॉस दिया होगा क्वेश्चन में वेट लॉस है कि स्क्रैप लॉस है अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम उसको वेट लॉस कंसिडर करेंगे स्क्रैप का रेट दिया तो वो स्क्रैप लॉस होगा अगर स्क्रैप का रेट नहीं दिया तो वो वेट लॉस होगा फिर हमें आंसर मिलेगा एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट में से अगर हम एक्चुअल आउटपुट को लेस करते हैं तो वी विल गेट दी आंसर एस एप लॉस और गेन अब ध्यान से ऐसे ही कॉलम आपको भी प्रिपेयर करने हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस ए में कितने यूनिट्स का इंफॉर्मेशन गया है ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट का इंफॉर्मेशन प्रोसेस ए में है नॉर्मल लॉस भी आपके पास अवेलेबल नॉर्मल लॉस परसेंटेज दिया है उन्होंने टू परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट तो अभी प्रेजेंट करता हूँ इंपॉर्टेंट है देखो इनपुट हम लिखने वाले हैं इनपुट ए में है बी में और सी में कुछ है पहले ए का ही सॉल्व करना है एडिशनल इनपुट कभी भी याद रखना है एडिशनल इनपुट फर्स्ट में कभी नहीं होगा वो सेकेंड से आएगा तो यहाँ पे आपका टोटल इनपुट कितना बनेगा टोटल इनपुट आपका बनेगा ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट फर्दर नॉर्मल लॉस इस टू परसेंट फाइव परसेंट और टेन परसेंट लेकिन नॉर्मल लॉस का कोई भी स्क्रैप का रेट यहाँ पे दिया नहीं है इसका मतलब ये कौन सा लॉस है ये वेट लॉस है ठीक है स्क्रैप का रेट दिया रहेगा तो वो स्क्रैप लॉस होगा दोनों चीजें तो माइनस ही करनी है यहाँ पे मैं फिलहाल लिख रहा हूँ टू परसेंट तो ट्वेंटी थाउजेंड का आपको टू परसेंट कैलकुलेट करना है यहाँ पे आ जाएगा फोर हंड्रेड लॉस में डैश करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड में से फोर हंड्रेड अगर माइनस करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड मिलेगा नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज दल आपके क्वेश्चन में दिया है देखो एक्चुअल आउटपुट इज प्रोसेस ए का नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितना है नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पे लिखेंगे इसी के नीचे नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो अगर हम ध्यान से देखें नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में से नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा हंड्रेड पॉजिटिव काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से याद रखना अगर आपको आंसर पॉजिटिव आया तो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस तो क्या होगा एबनॉर्मल लॉस दिस इज हंड्रेड एंड सिंस इट इज पॉजिटिव तो ये है आपका एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे साइड में लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस अगर यही आंसर आपको नेगेटिव मिला तो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन उसको हम क्या कहेंगे एबनॉर्मल गेन कहेंगे अब आपको क्या करना है ये जो एक्चुअल आउटपुट है इसी को हमें ऊपर ट्रांसफर करना है सेकेंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एडिशनल अभी फिलहाल वो वाले क्वेश्चंस नहीं लिए हैं एडिशनल वाला भी लेंगे नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेकेंड वाले प्रोसेस के लिए कितना परसेंट है 5% है तो चलो फिर यहाँ पे लिखेंगे second वाले प्रोसेस में 5 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव क्रैप लॉस में देंगे डैश तो नाइनटीन फाइव हंड्रेड माइनस नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा दिस आंसर विल बी योर एक्सपेक्टेड 18,525 सो इट्स 18,525 लेट अस सी द क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको दिया है प्रोसेस बी का 18,800 तो so यहाँ पे अभी प्रेजेंट करेंगे 18,800 दैट विल बी योर एक्चुअल तो यहाँ पे लिखेंगे 18,800 देखो 18,525 में से अगर एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आता है तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो टू सेवेंटी फाइव नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज एब्नॉर्मल गेन तो बिफोर सॉल्विंग ऑल दी प्रोसेस वी आर गेटिंग दैट फर्स्ट प्रोसेस में वी आर हैविंग एबनॉर्मल लॉस सेकेंड प्रोसेस में वी आर हैविंग एबनॉर्मल गेन थर्ड प्रोसेस भी सिमिलरली करेंगे अब ये जो एक्चुअल आउटपुट इधर का है ये हमको यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एडिशनल इनपुट इज डैश तो टोटल इनपुट विल बी आल्सो एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड कितना परसेंट का नॉर्मल लॉस था देख लेते एक बार थर्ड प्रोसेस में है टेन परसेंट का नॉर्मल लॉस तो चलो थर्ड प्रोसेस में लिखेंगे यहाँ पे टेन एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड का टेन परसेंट वन डबल एट जीरो अभी माइनस करना है फिर से एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस वन डबल एट जीरो आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एक्चुअल आउटपुट एक बार देख लेते हैं देखो सिक्सटीन थाउजेंड का एक्चुअल आउटपुट दिया है थर्ड में यहाँ पे अभी प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड अगर सिक्सटीन नाइन ट्वेंटी में से सिक्सटीन थाउजेंड अगर माइनस कर दिया तो यहाँ पे बचेगा नाइन ट्वेंटी बट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज एब नॉर्मल लॉस तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन अगर फर्स्ट प्रोसेस सही हुआ तो सेकेंड प्रोसेस भी आपका सही होगा फर्स्ट प्रोसेस अगर गलत हुआ तो सेकेंड प्रोसेस में भी आपके सिली मिस्टेक्स होते रहेंगे सिमिलरली और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए दिस इज द नाउ प्रोडक्ट थ्रू थ्री प्रोसेस तीन प्रोसेस से प्रोडक्ट पास हो रहा है एक्स वाई एंड जेड द इनपुट इन प्रोसेस एक्स फोर थाउजेंड यूनिट्स पे एक्स है यूनिट का नॉर्मल लॉस है एक्स का टू परसेंट वाई का फोर परसेंट और जेड का पॉइंट में टू पॉइंट फाइव परसेंट सिमिलरली एक्चुअल आउटपुट भी आपको दिया है थ्री एट फाइव जीरो थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थ्री फाइव टू लेट अस पोस्ट नाउ फॉर्मेटिंग वैसा ही होगा सेम तो इनपुट के कॉलम में पहले लिखते हैं इनपुट हमारा कितना चलो इनपुट हमारा है एक्स के कॉलम में फोर थाउजेंड यूनिट्स का एडिशनल फर्स्ट में नहीं होता फोर थाउजेंड ही आएगा नॉर्मल लॉस ट्रैप के बारे में कुछ बोला नहीं है फोर थाउजेंड का टू परसेंट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी and that value will be 80 scrap loss dash 4000 थाउजेंड में से अगर एट्टी को minus करेंगे तो expected output आएगा and the expected output आउटपुट थ्री नाइन टू जीरो एक्चुअल आउटपुट एक बार देख लेते हैं थ्री एट फाइव चलो फिर लिख लेंगे यहाँ पे तो so actual output है हमारा थ्री थ्री नाइन टू जीरो में से थ्री एट फाइव जीरो अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आता है सेवेंटी तो अभी हमने किया था पॉजिटिव आंसर आया तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस नेगेटिव आंसर आएगा तो एबनॉर्मल गेन आगे बढ़ते हैं थ्री एट फाइव जीरो को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा थ्री एट फाइव जीरो एडिशनल डैश टोटल ऑल्सो थ्री एट फाइव ज़ीरो फोर परसेंट का यहाँ पे टॉस है 3850 एट फाइव जीरो का फोर परसेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स वन फिफ्टी फोर थ्री एट फाइव ज़ीरो में से वन फिफ्टी आपको माइनस करना है तो विल गेट द आंसर एज एक्सपेक्टेड आउटपुट थ्री सिक्स नाइन सिक्स एक्चुअल आउटपुट देख लेते एक बार थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दिया है यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थ्री सिक्स नाइन सिक्स में से अगर थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको नाइनटी सिक्स मिलेगा पॉजिटिव अगेन इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या नाम लेते हैं हम एबनॉर्मल लॉस ये थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड को ऊपर ट्रांसफर करना है थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एडिशनल डैश थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यहाँ पे नॉर्मल लॉस का परसेंटेज पॉइंट में है टू पॉइंट फाइव परसेंट थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का टू पॉइंट फाइव परसेंट आपको कैलकुलेट करना है दैट विल बी नाइन्टी यहाँ पे डैश थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में से नाइन्टी को माइनस करना है विल विल गेट आंसर ओवर दैट बी एक्सपेक्टेड देख लेते हैं एक बार actual कितना है 3, 5, 2, यहां पे अभी प्रेस करेंगे माइनस टेन तो नेगेटिव तो का मतलब मैंने क्या बताया आपको दिस इज कैलकुलेशन रिलेटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स वी हैव सोल्ड टू एग्जाम्पल्स हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स ये फॉर्मेट को अपने पास लिख के रखे इसी फॉर्मेट के बेसिस पे हम प्रोसेस अकाउंट्स बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट्स आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा मैं जिस तरीके से स्टेप्स बताऊंगा उस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर स्टेप्स सही हुए तो प्रोसेस अकाउंट बहुत सिंपल है अगर स्टेप्स गलत हुए तो प्रोसेस अकाउंट्स में आपके सिली मिस्टेक्स होने की वजह से मार्क्स चले जाएंगे तो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द इफ योर कंसेप्ट आर क्लियर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्टिंग यू कैन सॉल्व इजिली तो दैट वॉज फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोथ चैप्टर्स आर रिलेटेड with formulas as वी हैव ऑलरेडी डिस्कस that तो so, आज के इस वीडियो में हम मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक सीखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सीखेंगे और एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व भी करेंगे जिससे आपके फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करने का जो मेन पार्ट है वो आपको पता चले तो शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग देखो मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल आपने सेमिस्टर फाइव में दो टाइप के कॉस्ट पढ़े होंगे चैप्टर में द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज वेरिएबल द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट तो दिस चैप्टर बेसिकली फोकस मोर ऑन द वेरिएबल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है दैट इज अ टेक्निक ज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग बाय ब्रिंगिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड द वॉल्यूम तो प्रॉफिट और वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशनशिप है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं हम प्रॉफिट का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं हमारे सेल्स के साथ इसके लिए हम कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन अभी क्या नया कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है आप अगर दस रुपए का एक प्रोडक्ट बेचते हो तो उसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है उसके बाद हम प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं वी आर फाइंडिंग आउट द पी प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड देन वी आर डिडक्टिंग द फिक्स कॉस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मेन पॉइंट ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट तो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने के साथ वो भी कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होता है फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो सेल से रिलेटेड नहीं होता वो कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया था जिसके लिए फिक्स कॉस्ट के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है रेंट अगर हम घर में रहते होंगे रेंट पे हमने अगर घर लिया है और अगर हम घर पर रहते हैं तो हमें रेंट भरना ही है अगर हम कुछ मंथ्स के लिए बाहर जाते हैं तो भी हमें रेंट भरना ही पड़ता है तो दैट इज़ वाइट इट इज़ कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट इफ़ यू सी द वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्स का कमीशन सेल्समैन का कमीशन अगर 10% परसेंट मैंने रखा है तो टेन थाउजेंड अगर आप सेल करोगे तो भी सेलिंग सेल्स uh, के ऊपर कमीशन टेन परसेंट है तो टेन थाउजेंड का टेन परसेंट वन थाउजेंड आ जाएगा अगर हम सेल्स को बढ़ाते हैं ट्वेंटी थाउजेंड कर देते हैं तो सेल्समैन का कमीशन तो टेन परसेंट ही है लेकिन ट्वेंटी थाउजेंड पर अभी टेन परसेंट टू थाउजेंड आ जाएगा मतलब जैसे जैसे सेल्स बढ़ता है वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ती है जैसे जैसे सेल्स कम होता है वैसे वैसे ये कॉस्ट कम होती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे जानते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर टू इंपॉर्टेंट कॉस्ट बट बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर मोर फोकसिंग ऑन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप जिसमें हम पी वी आर पी वी आर एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में पी वी आर का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है इस मार्जिनल कॉस्टिंग का जो हम आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको याद रखना है दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो देखो कैसे करना है से फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स की वैल्यू लेता हूँ टेन थाउजेंड सेल्स मैंने अज्यूम किया टेन थाउजेंड ताकि आपको समझ में आ जाए सेल्स टेन थाउजेंड सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं से फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट है हमारा सिक्स थाउजेंड तो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी वैल्यू मिलेगी फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड को इस चैप्टर में क्या नाम देना है हमको इस चैप्टर में हमको इसको नाम देना है कंट्रीब्यूशन तो सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि आपका फिक्स कॉस्ट वन है फोर थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड करेंगे

फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढना है तो आप बोलेंगे कैसे ढूंढना है सर कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा बराबर है और दूसरी तरीके से भी कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढ सकते हैं प्रॉफिट में अगर हम फिक्स कॉस्ट को ऐड करें देखो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट ठीक है देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स हमारा कितना है टेन थाउजेंड है वेरिएबल कॉस्ट कितना है सिक्स थाउजेंड है तो हमको कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा फोर थाउजेंड ये एक तरीका दूसरा तरीका प्रॉफिट कितना है हमारा थ्री थाउजेंड है प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है वन थाउजेंड है तो फिक्स फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट इज ऑल्सो फोर थाउजेंड तो बोथ द मेथड्स वी कैन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूलाज कोई भी फॉर्मूला से आप कोई भी आंसर तक जा पाओगे इसलिए फॉर्मूलाज ध्यान रखने के लिए ये इक्वेशन याद रखना है आई होप कि आपके यहाँ इक्वेशन क्लियर हुआ रहेगा इक्वेशन क्या है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज प्रॉफिट एंड द इक्वेशन विच यू हैव टू रिमेंबर इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज यही इक्वेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू रिमेंबर आगे बढ़ते हैं तो सम फॉर्मूलाज है आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूलाज है ध्यान से इसको पढ़ते रहना और जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे उतने आपको फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू हंड्रेड देखो पीवीआर कैसे ढूंढते हैं कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढते अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा तो पी का फॉर्मूला क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर हम सेल से डिवाइड करेंगे और ये परसेंटेज में आता है इसलिए इनटू हंड्रेड करना है फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढने का दूसरा तरीका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू हंड्रेड बात यही है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आंसर तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही आएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है पी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में हम कभी कभी दूसरा फार्मूला यूज करते हैं वैन वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड फार्मूला तो वहाँ पर आपको याद रखना है जब आपके क्वेश्चन में दो साल दिए रहेंगे टू ईयर्स दिए रहेंगे टू पीरियड्स दिए रहेंगे तो वी हैव टू यूज द सेकेंड फार्मूला एंड द सेकेंड फार्मूला इफ टू ई ईयर्स आर गिवन चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इन टू हंड्रेड फिलहाल आप सिर्फ फार्मूला को याद रखें हम हर एक टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर दोज फार्मूलाज विच वी आर लर्निंग नाव सेकेंड पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ना प्रॉफिट ना लॉस उतने ब्रेक इवन तक हमें जाना ही है उसके ऊपर जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब हमने जितनी कॉस्ट लगाई है उतनी कॉस्ट कौन से ब्रेक इवन तक आएगी तो ब्रेक इवन पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है बीईपी बीईपी हम रूपीज में कैलकुलेट करते हैं एज वेल एज वी आर कैलकुलेटिंग इट इन दी यूनिट्स तो बीईपी रूपीज का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर और बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ध्यान रखना इस चैप्टर का एक सिंपल रूल आपको बता के रखता हूं जहां पे भी यूनिट्स की बात करेंगे जहां पे भी यूनिट्स की बात की जाएगी वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा ठीक है यूनिट्स अगर पूछेंगे तो डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से और अमाउंट अगर पूछेंगे तो डिवाइड करना है पीवीआर से दैट इज द सेकंड फॉर्मूला थर्ड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी दो फॉर्मूलाज है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो फर्स्ट फार्मूला है एम के बेसिस पे एमओएस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स दैट इज द फर्स्ट फार्मूला एंड द सेकेंड फार्मूला इज एमओ एस इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पी वी आर तो प्रॉफिट को अगर हम पी वी आर से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा तो अभी आप कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है तो ये दोनों फार्मूलाज आप कभी भी यूज कर सकते हैं एनी फार्मूला यू कैन यूज एनी फार्मूला यू कैन यूज अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो यूजअली हम सेकेंड फार्मूला यूज़ करते हैं दोनों फॉर्मूला से जो हमको आंसर मिलता है वो सेम ही मिलता है तो यूजअली वी आर यूजिंग द सेकेंड फार्मूला नॉर्मली कभी कभी फर्स्ट फार्मूला भी हम यूज करते हैं तो मैं आपको दोनों फार्मूलाज से कैलकुलेशन सिखाऊंगा अगर दोनों फार्मूलाज से आंसर सेमता आता है दैट मीन्स यूर आंसर इज राइट फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे फोर्थ फार्मूला है हमारा फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर माइनस प्रॉफिट ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट देखो ये फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला है, है, है अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स इंटू पीवीआर तो सेम है सिर्फ यहां पे प्रॉफिट के जगह पे हम फिक्स कॉस्ट लिखेंगे तो यहां पे फिक्स कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है कभी कभी आपको क्वेश्चन में सेल्स पूछा जाता है रिक्वायर्ड सेल्स समबड़ी कॉल इट एज डिजायर्ड सेल्स ऑल्सो तो इफ डिजायर्ड सेल्स इज आस्क और रिक्वायर्ड सेल्स इज आस्क दिस इज द पॉइंट रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला बनता है फिक्स कॉस्ट प्लस पीवीआर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवीआर लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि फोकस ऑन दूनिट्स इफ यूनिट्स आर आस्ट टू यू डिड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आपको यूनिट्स पूछा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो और अगर आपको अमाउंट पूछा है तो पीवीआर से डिवाइड करो ये जो छ फॉर्मूलाज है इसी पे पूरा आपका कैल्कुलेशन बनेगा एक थोड़ा सा रिविजन देखो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है ठीक है अभी एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूं तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वी वीन नाउ चलो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं सारी चीजें करेंगे एक एक करके अ प्रोडक्ट इज इज सोल्ड फॉर पर यूनिट इट्स वेरिएबल कॉस्ट सिक्स एंड फिक्स कॉस्ट इज ट्वेंटी थाउजेंड कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बीईपी पी एंड यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ फोर्टी थाउजेंड रिक्वायर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रूपीजन लैक पहले शुरू करने से पहले आपको इक्वेशन लिखना है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है इतना लिखना है पहले बाकी का लेस फिक्स कॉस्ट वगैरह नहीं लिखना है बिकॉज दिया है और यहां पर अमाउंट दिया है तो so, सेल्स देखो कितना है? Product is sold for rupees तो पे लिखूंगा रूपीज टेन वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया है सिक्स तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिक्स तो टेन माइनस सिक्स करेंगे तो कितना आएगा फोर आएगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी फोर तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमको आया फोर ध्यान से सॉल्व करना है इसको यहाँ पे अगर कुछ भी गलत कर दोगे तो आगे आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ठीक है सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोला है पी वी आर उ डू बी कैलकुलेट पी वी आर कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर सेल्स से डिवाइड करेंगे इंटू हंड्रेड करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिला फोर डिवाइडेड बाई टेन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो एंसर विल बी फोर्टी परसेंट तो फोर्टी परसेंट आपका पीवीआर है वेरी इजी कैलकुलेशन वेरी सिंपल कैलकुलेशन सिंपल चीज ही हमेशा गलत होती है और इस पूरे चैप्टर में अगर आपने पीवीआर को गलत कर दिया तो आगे आपके सही क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएंगे आगे के सारे कैलकुलेशन आपके गलत हो जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं तो क्वेश्चन मैंने सामने रखा है आपके यही क्वेश्चन है पीवीआर तो हमने कैलकुलेट कर लिया चलो इधर मैं लिख लेता हूं पी हमारा हो चुका है क्या था फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स टू रेड फोर डिवाइडेड बाय टेन टू रेड कितना परसेंट हमारा पीवीआर आया आर आ चुका है फोर्टी परसेंट ठीक है आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में सेकंड पॉइंट क्या है बीपी बीपी पीस रुपीज का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना है फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स कॉस्ट है ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है फिक्स कॉस्ट देख लेते एक बार फिक्स कॉस्ट कितना है ट्वेंटी थाउजेंड सब्सटीट्यूट कर रहा हूं यहाँ पे ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर्टी परसेंट क्या करना है आपको ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड करना है फोर्टी और परसेंटेज का साइन आपको प्रेस करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा रुपीजी थाउजेंड दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट इन रूपीज अभी हम ढूंढेंगे बीपी यूनिट्स में। चलो बीपी यूनिट्स में भी ढूंढ लेते क्या है फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ठीक है हमको कंट्रीब्यूशन कितना मिला था एक बार देख लेते हैं देखो अभी हमने सॉल्व किया था कंट्रीब्यूशन था फोर चलो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फिर फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा फिक्स कॉस्ट है हमारा ट्वेंटी थाउजेंड और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है कितने यूनिट्स आएंगे फाइव थाउजेंड आगे लिखना है यूनिट्स ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बीपी रुपीस एंड बीपी यूनिट्स बोथ वी हैव कैलकुलेटेड लेट अस सी फर्दर व्हाट इज आस्क Further, आगे आपको पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ फोर्टी थाउजेंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ जब भी ऐसा पूछेंगे एट अ प्रॉफिट ऑफ तो एस का जो सेकेंड फॉर्मूला है वो यूज करना है प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे चलो वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं पीपी हो चुका है हमारा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट थर्ड एमओ एस इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय की कितना दिया था प्रॉफिट एक बार चेक कर लेंगे प्रॉफिट दिया था फोर्टी थाउजेंड आगे बढ़ते हैं फिर प्रॉफिट को सब्सटीट्यूट करते हैं प्रॉफिट दिया है फोर्टी थाउजेंड ईर कितना ईयर है हमारा फोर्टी परसेंट फोर्टी थाउजेंड को 80 आपको डिवाइड करना है कितना मिलेगा दैट विल बी रुपीज आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ चुका है एंड दैट इज इज ठीक है प्रॉफिट गिवन यही यूज करेंगे प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो फिर वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे लास्ट पॉइंट ढूंढ लेते हैं फोर्थ नंबर एक बार चेक कर लेते हैं क्या पूछा है लास्ट पॉइंट में लास्ट पॉइंट में हमको पूछा है

तो हमें सिर्फ यहाँ पे मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस में मटेरियल प्राइस मटेरियल यूसेज और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ढूंढेंगे देन जैसे इसकी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स मटेरियल मिक्स मटेरियल ईल्ड और लेबर वेरियंसेज बिच जाएंगे हम फिलहाल अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दो तीन पॉइंट ज़रूरी होते हैं क्या पॉइंट ज़रूरी होते हैं स्टैंडर्ड प्राइज फिर एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये चार पॉइंट्स अगर आप क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई कर लो करेक्टली तो फिर सिर्फ क्लैरिकल काम रहता है वो है फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना अब हम ढूंढते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है देखो मैंने अगले पार्ट में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस कितना है पहले देख लेते हैं देखो स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम ध्यान से देखें तो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे ट्वेंटी है एक्चुअल प्राइस ट्वेंटी वन है तो दोनों चीजें पहले प्रेजेंट कर लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है स्टैंडर्ड प्राइस है रुपीज ट्वेंटी और एक्चुअल प्राइस कितनी है एक्चुअल प्राइस है रुपीज ट्वेंटी वन फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं देखो एक्चुअल आउटपुट दिया है एक्चुअल क्वांटिटी दिया है एक्चुअल क्वांटिटी टेन थाउजेंड के जी तो चलो एक्चुअल क्वांटिटी हम लिखेंगे यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया है टेन थाउजेंड के जी दी है तो एक्चुअल क्वांटिटी टेन थाउजेंड के अभी हम ढूंढेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा वो नियर बाय रहेगा एक्चुअल क्वांटिटी के एक्चुअल क्वांटिटी के आसपास ही आपका आंसर आना चाहिए और इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है अभी कैसे ढूंढना है देखो ध्यान से समझना यही इंपॉर्टेंट है हंड्रेड के का मटीरियल है तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था टेन थाउजेंड यूनिट्स का ठीक है हंड्रेड के का मटीरियल है तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था टेन थाउजेंड यूनिट्स का आपको एक्चुअल आउटपुट देखना है एक्चुअल आउटपुट नाइन लाख यूनिट्स है तो अब ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको सॉल्व ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी का आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ में आना चाहिए देखो टेन थाउजेंड यूनिट्स टेन थाउजेंड यूनिट्स जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे तब हमें हंड्रेड के जी का मटीरियल लग रहा था इफ वी आर प्रोड्यूसिंग टेन थाउजेंड यूनिट्स वी विल रिक्वायर हंड्रेड के जी मटीरियल तो हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है अगर हम नाइन लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे अगर हम नाइन लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कितना के जी मटीरियल लगेगा ये जब आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको हमेशा एक्चुअल आउटपुट ही लिखना है वो ध्यान रखना एक्चुअल आउटपुट जो रहेगा वही यहाँ पे लिखना इसका मतलब क्या है दस हज़ार यूनिट बनाने के लिए सौ के जी मटीरियल लगता था तो नाइन लाख यूनिट्स बनाने के लिए कितना के मटेरियल लगेगा तो कैसे करोगे नाइन लैक्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इसका आंसर आ जाएगा नाइन थाउजेंड यूनिट्स नाइन थाउजेंड यूनिट्स इज द आंसर देखो एक्चुअल क्वांटिटी टेन थाउजेंड के है और ये नाइन थाउजेंड यहाँ पे भी के आएगा नाइन थाउजेंड के तो यहाँ पे कितना के आया नाइन थाउजेंड के जी यहाँ पे कितना के जी है टेन थाउजेंड तो नियर बाय आंसर होना चाहिए सो वी हैव कैलकुलेटेड नाउ पॉइंट्स अभी हम फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस मैंने आपको क्या बताया था पी से प्राइस तो इसलिए ब्रैकेट में प्राइस ही आएगा क्या था हमारा स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस ट्वेंटी एक्चुअल प्राइस ट्वेंटी वन और एक्चुअल क्वांटिटी कितना था हमारा एक्चुअल क्वांटिटी था टेन थाउजेंड तो ट्वेंटी माइनस वन इज वन वन By 10, 20 में से ट्वेंटी माइनस करेंगे तो माइनस वन आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा टेन थाउजेंड नेगेटिव तो नेगेटिव के लिए एक वर्ड लिखना है ए ए रेफर्स टू एडवर्स अगर पॉजिटिव आए तो हम लिखेंगे एफ एफ रेफर्स टू फेवरेबल मटीरियल यूसेज वेरियंस यूसेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था यू से होता है यूसेज मतलब क्वान्टिटी तो ब्रैकेट में क्वांटिटी ही आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया अभी नाइन थाउजेंड एक्चुअल क्वांटिटी हमको क्वेश्चन में दिया था टेन थाउजेंड और स्टैंडर्ड प्राइस कितना था स्टैंडर्ड प्राइस था ट्वेंटी अगर हम नाइन थाउजेंड में से टेन थाउजेंड माइनस करें तो आएगा माइनस वन थाउजेंड और माइनस वन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी करेंगे तो आंसर मिलेगा नेगेटिव यहाँ पे भी ट्वेंटी थाउजेंड एडवर्स

सिंपल से शुरू किया है ताकि फॉर्मूला में सब्सटीट्यूशन आपको समझ में आ जाए तो ये आपने ऑलरेडी भी पढ़ा होगा तो यही सारी चीजें हैं थोड़ी ये नए वेरियंटेस हम पढ़ने वाले मटेरियल मिक्स मटेरियल इल्ड लेबर मिक्स और लेबर इल्ड के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी टेक्निकल टॉपिक है टेक्निकल इसीलिए कि काफी सारे पॉइंट्स इसमें हैं जैसे कि जर्नल एंट्रीज बहुत सारे हमें इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन गोइंग टू एन इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक व्हाट इज द टॉपिक कॉस्ट कंट्रोल व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन इंटीग्रेटेड इट इज अंटीग्रेटेडीग्रेटेड सिस्टम एंड हाउ मेनी लेजर्स हाउ मेनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू प्रिपेयर बेसिकली इन दिस तो ये अभी अपने कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का भी चैप्टर हम साइड बाई साइड शुरू कर रहे हैं उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के भी वीडियोस मिल जाएंगे ताकि दोनों वीडियोस साइमल्टेनियसली मिल जाए और आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे सो व्हाट इज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम तो बहुत सारा थियोरी यहाँ पे आपके सामने है तो इसमें से मेजर मेजर चीज़ें पढ़ेंगे एज वेल एज़ आपको कुछ बेसिक्स भी बताता हूँ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एस ए सिस्टम इन विच द कॉस्ट अकाउंट आर डिस्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट देखो कैसे होता है मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूँ अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें शॉर्ट फॉर्म है एफ ए और दूसरा है हमारा कॉस्ट अकाउंट ठीक है अगर हम मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहला मेथड है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और दूसरा सिस्टम है इंटीग्रेटेड सिस्टम ठीक है दूसरा सिस्टम कौन सा है दिस इज इंटीग्रेटेड सिस्टम लेकिन आपके सिलेबस में नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ही हमें पढ़ना है अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करें तो क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो तो अलग अलग मतलब यहाँ पे टू सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड किसमें टू सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड इंटीग्रेटेड, ठीक है टू सेपरेट बुक्स आर का अलग बुक रहेगा कॉस्ट अकाउंटेंट का अलग बुक रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना प्रॉफिट ढूंढेगा इसको हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको हम क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट अपना प्रॉफिट ढूंढेगा जिसको हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट पी एंड एल भी कहते हैं सो बेसिकली

और अगर हम इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करें तो क्या होगा फिर इसका रिवर्स इसका उल्टा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में दो सेपरेट बुक्स बनाते हैं और इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंट एक ही बुक में एंट्री करते हैं सिर्फ एक बुक में एंट्री करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम सो वी विल नॉट फोकस ऑन द इंटीग्रेटेड सिस्टम बिकॉज हमें नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट जो हमारे सिलेबस में है तो अगर हम दो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेनटेन्ड करेंगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है प्रॉफिट का फाइनेंशियल प्रॉफिट डिफरेंट होगा और कॉस्टिंग का प्रॉफिट डिफरेंट होगा इसीलिए आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉल्ड एज रिकन्सिलेशन तो हमें क्या करना पड़ेगा रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा वी नीड टू रिकनसाइल द प्रॉफिट्स वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड वी विल आल्सो फाइंड आउट व्हाई द डिफरेंसेस अराइजेस बेसिकली डिफरेंस क्यों आया है वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे उसी को रिकन्सिलेशन कहा जाता है कि कॉस्टिंग के प्रॉफिट में और फाइनेंशियल के प्रॉफिट में क्यों डिफरेंस है और अगर डिफरेंस है तो उसको हम एड बैक कर लेंगे या फिर अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो उसको हम लेस कर लेंगे उसके बेसिस पे आपने ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ ही लिया है कॉल्ड एज रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो दैट इज द सिंपल सीनारियो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में सिंपल चीज क्या याद रखनी है आपको जहाँ पे दो सेपरेट बुक्स मेंटेन की जाती है कॉस्टिंग का बुक अलग होता है फाइनेंशियल का बुक अलग होता है और उसमें सारे रिकॉर्ड्स किए जाते हैं अब अगर हम कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक लेजर बनता है विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट लेजर ठीक है कॉस्ट लेजर इसे हम कहते हैं या जी एल ए भी कहते हैं जीएल का फुल फॉर्म जनरल लेजर एडजस्टमेंट तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इस चैप्टर में हमेशा एक वर्ड आपको बार बार दिखेगा विच इज कॉल्ड कंट्रोल अकाउंट तो हम सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम थेरोटिकल बातें डिस्कस करेंगे फिर अगले लेक्चर में आपको जनरल एंट्रीज बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको कौन से ऐसे एंट्रीज है जो याद रखने हैं बिकॉज अनलेस एन अंटिल यूर बेसिक्स आर क्लियर एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इसीलिए आपको बेसिक्स को ध्यान रखना है बेसिक्स में यही है कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बुक्स को मेंटेन किया जाता है और दो बुक्स को मेंटेन करने के बाद फिर रिकनसिलेशन भी किया जाता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो बहुत सारे लेजर्स इसमें बनते हैं एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द लेजर्स वी आर कैलकुलेटिंग द बैलेंस इन द लेजर एंड देन वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस तो अभी इसको थोड़ा थियोरी में पढ़ते हैं जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा है कि नहीं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एज अ सिस्टम इन विच कॉस्ट अकाउंट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स द टू सेट्स ऑफ अकाउंट बींग केप्टी इन एग्रीमेंट बाई द यूज ऑफ कंट्रोल अकाउंट तो मैंने कहा था आपको कि दो सेपरेट बुक्स बनाएंगे और कॉस्ट uh, कॉस्टिंग में जो बनाएंगे वहां पर हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे दिस मेथड टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड देखो यहाँ पे लिखा ही है टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा दैट मीन टू बुक्स विल बी मेंटेड वन विल बी फॉर कॉस्टिंग एंड अनदर विल बी फॉर फाइनेंशियल और उसी बुक्स में अलग अलग एंट्रीज किए जाएंगे अंडर दिस मेथड फोर प्रिंसिपल लेजर्स आर किसमें जो हमारा कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट है इसमें फोर मेजर प्रिंसिपल लेजर्स बनाए जाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से कौन से लेजर होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड तो कॉस्टिंग वाले का बंदे का, का काम क्या है कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या क्या है जो भी हमारे कॉस्ट के रिलेटेड प्रॉफिट होगा जो भी हमारा एक प्रोडक्ट होगा उसमें कितना कॉस्ट लगेगा ऑल सच पॉइंट्स रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होगा इन सच अ केस इट शुड बी एंश्योर दैट इट इज प्रॉपरली लिंक्ड विद दी फाइनेंशियल अकाउंट ऑब्वियसली भले फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना अलग सेट ऑफ बुक्स बनाता है और कॉस्ट अकाउंटेंट अपना अलग सेट ऑफ बुक्स बनाता है लेकिन दोनों कहीं ना कहीं तो कंपनी से रिलेटेड है इसलिए प्रॉपरली लिंक होना चाहिए फाइनेंशियल डेटा कॉस्ट अकाउंटेंट के डेटा के साथ ताकि एक अच्छा रिकन्सिलेशन हो पाए रिकन्सिलेशन मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि कॉस्टिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस आया और फाइनेंशियल के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया है मतलब दोनों के प्रॉफिट में फॉर एग्जाम्पल इफ कॉस्टिंग प्रॉफिट इज वन लैख एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड देन द डिफरेंस इज फिफ्टी थाउजेंड दे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वाई द डिफरेंस ऑफ फिफ्टी थाउजेंड केम क्यों फिफ्टी थाउजेंड का डिफरेंस आया तो उसको हम रिकनसाइल करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली exactly ये पचास हजार का डिफरेंस क्यों आया इन कॉस्ट अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स आर नॉट कॉस्टिंग में पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते इट इज नोन एज इंटरलॉकिंग सिस्टम और कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग इस सिस्टम को इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कहा जाता है या कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग भी कहा जाता है या फिर एक पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर लिख के दिया दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम तो इसे हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं आगे बढ़ते हैं अभी चार लेजर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं मेजरली नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में एक है सबसे पहला स्टोर्स लेजर देखो स्टोर्स का मतलब होता है मटेरियल्स जब तक आप मटेरियल्स परचेज नहीं करोगे तब तक क्या उस पर लेबर काम कर सकता है आप बोलेंगे सर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ऑब्वियसली नहीं कर सकता मटेरियल अगर हम परचेस करेंगे तो लेबर काम करेगा लेबर काम करेगा तो ओवरहेड्स होगा ओवरहेड्स होगा तो आगे के प्रोडक्शन के पॉइंट्स अराइजेस होते हैं सो स्टोर्स लेजर इज द मेजर लेजर वेन एवर वी आर परचेजिंग द मटीरियल्स हम स्टोर्स लेजर में उसको एंट्री करेंगे और अगर हम आ, हमारे स्टोर से आ, जो मटीरियल्स है वो ट्रांसफर करते हैं तो भी हम स्टोर्स में एंट्री कर लेंगे फिर सेकेंड लेजर जो मेजर लेजर है दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स लेजर तो ये आपका जो लेजर है ये क्या करता है ये आपका फिनिश गुड्स जो बनाता है फिनिश गुड्स जो फिनिश गुड्स जो बनाता है वो फिनिश गुड्स लास्ट में बनते हैं अगर कॉस्टिंग आपने पढ़ा है पहले तो आपको कॉस्ट रिलेटेड पॉइंट पता होंगे एक होता है है ठीक और दूसरा होता है हमारा cost of production, ये सारी चीजें हमारे finished goods को relate करती है. अगर हमने materials का इनपुट किया है और हमें मशीन में अभी तक जो तो इनपुट है वो काम चल रहा है तो उसके लिए भी हम एक लेजर बनाएंगे तो है इसका work in progress ledger, कंट्रोल अकाउंट आगे एक वर्ड याद से आपको याद रखना है कंट्रोल अकाउंट वर्ड लिखा जाएगा तो मेजरली फोर लेजर्स है वैसे तो बहुत सारे प्रिपेयर करते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स प्रिपेयर करते हैं लेकिन मेजर तो चार है फर्स्ट है आपका स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट सेकेंड है आपका फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट थर्ड इज यूर वर्किंग प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड द फोर्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के लिए कभी कभी बुक्स में एक अलग नाम दिया जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट ठीक है याद रखना जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट शॉर्ट फॉर्म में जी भी बोला जाता है जीएल बोलो कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोलो बात एक ही है ये एक मेजर अकाउंट है मतलब जो भी एक्सपेंसेस आप पे करोगे जैसे मैं अगर आपको एक बात कि अगर आपने, नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल एंट्रीज बताऊंगा और हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज याद रखने हैं कैसे जर्नल एंट्रीज को विदाउट बाहट किए हम याद रख सकते हैं वी विल बी लर्निंग दैट काफी इंटरेस्टिंग है अगर आपने पहले उस तरीके से पढ़ा है तो कोई इशू नहीं अगर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए कुछ नया होगा कि जरल एंट्री इसको हमें कैसे याद रखना है देखो ऑफिस ओवरहेड स्पीड अगर हम इसकी नॉर्मल एंट्री देखें तो आप करोगे ऑफिस ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट ठीक है ऑफिस ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे बैंक अकाउंट ये हमारी नॉर्मल एंट्री है ये एंट्री आपकी इंटीग्रेटेड सिस्टम में होती है इसमें होती है इंटीग्रेटेड सिस्टम में और अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे यहां पे हम क्या लिखेंगे एंट्री बनेगा अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करें तो तो हमें करना है ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट मैंने अभी फिलहाल कंट्रोल नहीं लिखा है ऑफिस ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ये आपकी एंट्री होने वाली है तो वॉट वी आर गोइंग टू पे

मटेरियल्स को परचेस करते हैं अगर हम मटेरियल्स को परचेस करेंगे तो ही तो हम उसके ऊपर लेबर काम कर सकती है उसका फिनिश गुड्स बन सकता है तो सबसे पहले मटेरियल्स को क्या करते हैं हम मटेरियल्स को परचेस करते हैं लेकिन क्रेडिट में परचेस करते हैं ठीक है किस में परचेस करते, है? करते हैं क्रेडिट में परचेस करते हैं काफी सिंपल पॉइंट है मटेरियल्स को इस चैप्टर में आपको याद रखना है दैट विल बी रिलेटेड विथ स्टोर्स मटेरियल्स के लिए क्या नाम याद रखना है स्टोर्स नाम याद रखना है काफी सिंपल एंट्री आपका बनेगा एंट्री बनेगा मटेरियल्स आपके पास आए एंट्री बनेगा स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट दो मेजर मेजर एंट्रीज है उसको आज डिस्कस कर लेंगे टू सबसे सिंपल एक लेजर कंफर्म है account, क्या एंट्री बनेगा स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट एंट्री नंबर वन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है दैट इज एंट्री नंबर वन ठीक है एंट्री नंबर वन क्या बनेगा मटेरियल्स परचेस करने का एंट्री क्या बनेगा एंट्री नंबर वन मटेरियल्स परचेस किस पे परचेस किया क्रेडिट पे परचेस एंट्री बनेगा स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ठीक है सबसे सिंपल स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट अगर मैं आपको कहूं कि मटेरियल्स परचेस करने के बाद मटेरियल्स परचेस करने के बाद आपने मटेरियल्स को रिटर्न कर दिया ठीक है कुछ मटेरियल्स डिफेक्टिव थे तो रिटर्न कर दिया तो ये जो भी एंट्री अभी हमने किया है ये जो भी एंट्री अभी हमने किया है ये जो एंट्री हमने अभी किया है उसके लिए आपको क्या करना है रिवर्स एंट्री करना क्या एंट्री करना है रिवर्स एंट्री मतलब अगर हम मटेरियल को रिटर्न करेंगे तो क्या होगा एंट्री कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट ठीक है वो एंट्री मैंने लिखा नहीं काफी सिंपल जितनी कम चीजें याद रखेंगे उतना बेटर है बिकॉज अगर हम सारी चीजें याद रखने जाएंगे तो फिर कंफ्यूज में कंफ्यूजन होते रहेगा और दैट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू तो रिमेंबर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं काफी सिंपल चीज हमने पढ़ ली मटीरियल्स हमारे पास आ गए ठीक है मटीरियल्स हमारे पास आने के बाद क्या होता है मटीरियल्स जो हमारे पास आते हैं वो तो हम इशू करते हैं मटीरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन मटेरियल इशू करेंगे ना गोडाउन में रखने के बाद मटेरियल जाएंगे तो यहां पे आपको याद रखना है जहां पे भी प्रोडक्शन वर्ड आएगा वहां पे आपको याद रखना है डब्ल्यू आई तो एंट्री बनेगा डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्या बनेगा डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपसे आपसे गए मटेरियल्स बनेगा टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट ठीक है काफी सिंपल कैलकुलेशन है सिंपल चीज है इस तरीके से याद रखोगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर एंट। तो दो एंट्रीज हमारे हो चुके हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे काफी सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको याद रखना है चलो थर्ड थर्ड वाले पॉइंट में जाएंगे अभी अभी मटेरियल्स तो नॉर्मल कंसेप्ट जो थे नॉर्मली जो एंट्रीज आती है वो तो हमने लिख ली मटेरियल्स हो गया मटेरियल्स के बाद फिर अगला स्टेप आता है हमारा लेबर ठीक है लेबर मतलब क्या होता है वेजेस लेबर बोलो वेजेस बोलो एनीथिंग यू कैन कॉल लेबर है, फिर wages है. Wages या फिर वेजेस है काफी इंपॉर्टेंट वेजेस या लेबर तो लेबर या वेजेस के बारे में आएगा मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस जैसे कि ट्रांजेक्शन क्या होगा पेमेंट ऑफ ये आपका ट्रांजेक्शन है सबसे सिंपल है पेमेंट ऑफ वेजेस तो क्या पेमेंट कर रहे हो वेजेस पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट कैश बैंक नहीं लिखना है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट तो सबसे सिंपल याद रखना है आपको जहां पे भी इस पूरे चैप्टर में जहां पे भी पेड वर्ड दिखेगा या फिर पेमेंट वर्ड दिखेगा वहां पे आपको कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना है रिपीट अगेन वेन एवर वी आर हैविंग अ ट्रांजेक्शन रिलेटेड विथ पेमेंट ऑफ वेजेस पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो आपको याद रखना है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा कभी डेबिट नहीं होगा पेमेंट ऑफ वेजेस 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 की बात करें तो में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस ठीक है लेकिन कभी कभी एक दूसरा एडजस्टमेंट भी पूछा जाता है और दूसरा एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि वेजेस <coughs> जो है ना वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन ये बार बार पूछ, पूछा जाता है again, किस पे चार्ज किया प्रोडक्शन मैंने आप भी आपको बताया था जहां पे भी प्रोडक्शन वर्ड आएगा वहां पे हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू आई पी क्या किसे चार्ज किया वेजेस को चार्ज किया प्रोडक्शन में तो एंट्री बहुत सिंपल है एंट्री बनेगा डब्ल्यू आईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्या बनेगा एंट्री डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या चार्ज किया वेजेस चार्ज किया तो एंट्री बनेगा डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट काफी सिंपल कैलकुलेशन है तो ये दो पॉइंट्स आपको वेजेस के लिए ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी बताए हैं तो दैट इज दी रिलेटेड विद वेजेस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आपको ध्यान रखना है ठीक है वेजेस के बाद आगे बढ़ते हैं जो मेजर मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ काफी सिंपल पॉइंट्स है अगर हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा वर्क ओवर क्या है वर्क्स ओवर बहुत सारे नाम है नाम से कंफ्यूज मत होना सबका काम एक ही है वर्क ओवर हेड्स फैक्ट्री ओवर हेड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स सभी का मीनिंग इसमें आपका पहला ट्रांजैक्शन होगा मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड या वर्क्स ओवरहेड्स पेड क्या होगा एंट्री अभी आपको आना चाहिए पेड में मैंने अभी आपको बताया था तो एंट्री क्या बनेगा वर्क्स या फैक्ट्री ओवर हेड्स लिखता हूं वर्क्स ओवर हेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वॉट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट काफी सिंपल है ठीक है तो क्या बनेगा एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट अगर आपको ट्रांजैक्शन में बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवरहेड्स आर चार्ज टू प्रोडक्शन क्या बोला चार्ज टू प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट पे चार्ज किया प्रोडक्शन में तो मैंने आपको क्या बताया था जहां पे भी प्रोडक्शन वर्ड आएगा वहां पे आपका कंसेप्ट आएगा डब्ल्यू का तो उस केस में क्या करोगे एंट्री डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क ओवर हेड्स कंट्रोल अकाउंट वेरी सिंपल वेरी कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है वेरी सिंपल पॉइंट्स वे लर्निंग एंड इफ यू आर क्लियर विद दिस यही एंट्रीज बार बार आपको आने वाले हैं अगले पॉइंट में जाते हैं नेक्स्ट आपका होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में सबसे सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या होगा पेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या होगा पेड होगा ठीक है अभी पेड है तो सबसे सिंपल है मैं थोड़े शॉर्टकट में लिखता हूं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वॉट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ठीक है जो भी एक्सपेंसेस पेड अभी एक इसको अल्टरनेटिव भी लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे लिखता हूं एनी ओवरहेड्स पब्लिक एक्सपेंसेस पेड तो कोई भी ओवरहेड्स या कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप पेड करोगे तो एंट्री क्या बनेगी ओवरहेड्स या फिर जो एक्सपेंसेस है उसका नाम लिखना ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू वॉट कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट तो ये आपको ध्यान रखना है काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है आपको बता दिया एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेलिंग आ सकता है सेलिंग के भी पॉइंट्स इसमें पॉइंट और अगर बोला कि चार्ज टू प्रोडक्शन तो डब्ल्यू आईपी लिख लेना डब्ल्यू आईपी टू एडमिनिस्ट्रेशन डब्ल्यू आईपी टू सेलिंग ठीक है अभी हम हमारे मेजर पॉइंट में जाते हैं जिसमें आपको थोड़े एंट्रीज को याद रखना है सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ठीक है अब अभी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइज हो रहा है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये तो होने ही वाला है आप रॉ मटेरियल लाओगे इनपुट करोगे लेबर उस उसपे काम करेगा ऑफिस के खर्चे होंगे फैक्ट्री के खर्चे होंगे सेलिंग के एक्सपेंसेस होंगे आफ्टर दैट विल प्रिपेयर यू विल मैन्युफैक्चर सम फिनिश गुड्स तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस का क्या एंट्री बनता है ये आपको ध्यान रखना है काफी इंपॉर्टेंट है इसका एंट्री है काफी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है इसका एंट्री होगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्या होगा एंट्री फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट ठीक है काम चालू है काम चल रहा है इसलिए वो डब्ल्यू आई पी दैट इज द्वाइंट फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट ध्यान रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री तो हमेशा आती है फिर एक दूसरी एंट्री होती है ट वाले में हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसकी एंट्री क्या होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या वो कहते हैं सीओजीएस तो सीओजीएस की एंट्री क्या होगी इसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट क्या होगा एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट ठीक है ये थोड़े से एंट्रीज आपको याद रखने पड़ेंगे बाकी इसके पहले जो भी मैंने आपको बताया वो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वो तो सिंपल थे तो हमारा एंट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में दैट इज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स के बाद हमारा सी ओ जी एस भी हो गया आगे बढ़ते हैं फिर एक एंट्री आता है काफी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज सेल्स की एंट्री ठीक है सेल्स की इतने बेसिक बेसिक एंट्रीज है इतने भी पढ़ लिए तो दैट विल बी सफिशेंट तो सेल्स के लिए क्या होगा एंट्री सेल्स के लिए एंट्री होगा कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्या होगा एंट्री कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट ठीक है क्या होगा एंट्री कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से फाइनली तो बैलेंस कॉस्टिंग पी पीरियडल में जाता है और कॉस्टिंग पी पीरियडल से जो बैलेंस है वो आपके कॉस्ट कंट्रोल में ही ट्रांसफर होता है बट ये आपको एंट्री पास करनी है इन केस ऑफ योर सेल्स तो दैट इज दी एंट्रीज तो दिस वॉज दी जनरल एंट्रीज पार्ट रिलेटेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट आई होप दिस बेसिक्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू पैटर्न में वो भी सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे टिल देन बाय बाय थैंक यू तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो हम इस वीडियो में सीखेंगे तो so आज का जो लेवल होगा जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं दैट इज मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर इसका मतलब होता है कि आपको एक ही ईयर का इंफॉर्मेशन रहेगा लेकिन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट जो रहेंगे वो दो रहेंगे जैसे कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी कॉन्ट्रैक्ट सी कॉन्ट्रैक्ट डी ऐसे आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन राधा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पी एंड कॉन्ट्रैक्ट क्यू कॉन्ट्रैक्ट पी कमेंस ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन एंड कॉन्ट्रैक्ट क्यू जो है 2019. So, बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना है ध्यान से समझना कि किस तरीके से इसको हमें एंट्रीवाइज करना है तो इफ यू सी पर्टिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट पी एंड कॉन्ट्रैक्ट क्यू वी आर हैविंग इन द क्वेश्चन एंड मटीरियल इशूड विद डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेज बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए सबसे पहले हमें क्वेश्चन से यह देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने बेसिस पे दिया हुआ है जैसे कि अगर फर्स्ट लाइन पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पी एंड कॉन्ट्रैक्ट क्यू कॉन्ट्रैक्ट पी कमेंस ऑन फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड नाइनटीन तो कॉन्ट्रैक्ट पी जो है फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड नाइनटीन को कमेंस हुआ इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट पी जो है ये पूरे ट्वेल्व मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज अगर आप मंथ्स को गलत गिन लोगे तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा नेक्स्ट जो है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यू क्यू हुआ फर्स्ट जून को कमेंट्स हुआ अगर हम फर्स्ट जून से मार्च गिनेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्यू जो है दैट इज ऑफ टेन मंथ्स तो ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट पी इज ऑफ ट्वेल्व मंथ्स एंड कॉन्ट्रैक्ट क्यू इज ऑफ टेन मंथ्स तो वाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस मंथ बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द प्लांट तो इसको अभी कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं ठीक है पहले एडजस्टमेंट है कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020 मटेरियल्स कॉस्टिंग रूपीज फोर्टी फाइव थाउजेंड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट पी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट क्यू तो कॉन्ट्रैक्ट पी को ट्रांसफर किया गया मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट क्यू से सिंपल है कौन किसे ट्रांसफर कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट जो क्यू है दैट इज ट्रांसफरिंग मटेरियल्स वर्थ रूपीज फोर्टी फाइव थाउजेंड टू कॉन्ट्रैक्ट पी मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं फिर कभी आपका मिस्टेक नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट क्यू ट्रांसफर कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्यू के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पी के पास मटेरियल्स आ रहे हैं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पी के डेबिट साइड लिखेंगे जो भी ट्रांसफर करेगा उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जिसको मटेरियल्स मिलेंगे उसके डेबिट साइड में वी विल बी राइटिंग एडजस्टमेंट नेक्स्ट इज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ट्वेंटी परसेंट पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट तो प्लांट पे हमें चार्ज करना करना है, है? है? है, ठीक इसको अभी कैसे प्रिपेयर ध्यान से मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट कर लिया पॉइंट्स भी लिखे हैं, बट एक-एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो तो सबसे सबसे पहले तो सबसे पहले वी विल बी प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने ऊपर लिखा ended, 2020, भी मैंने यहाँ पे कर दिया तो वॉट इज द फर्स्ट स्टेप टू राइट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखने के बाद आपको सबसे पहले एक एक करके सारे एक्सपेंसेस लिखने ठीक है थीके? फिर हम एक बार चेक कर लेंगे देखो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे देख लेते क्वेश्चन में ही देख लेते ताकि आपको समझ में आएगा देखो वी नीड टू राइट डायरेक्ट मटीरियल डेबिट साइड डायरेक्ट वेजेस डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड आर्किटेक्ट फीस फोर ऑफ वर्क सर्टिफाइड है तो ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे वर्क सर्टिफाइड कैसे कैलकुलेट होता है उसके बेसिस पे वी विल बी सोल्विंग दिस तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्किटेक्ट फीस का वो मैं आपको बताता हूँ सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस ये भी हम लिखेंगे डेबिट साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी लिखेंगे डेबिट साइड में प्लांट हम नहीं लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे प्लांट पे वी विल बी राइटिंग ओनली द डेप्रिसिएशन वी विल नॉट राइट द वैल्यू ऑफ द प्लांट हम एक शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को लिखेंगे अगर आप प्लांट को लिखोगे तो फिर दो बार प्लांट लिखना पड़ेगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है इसलिए वी विल बी कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन एंड देन राइटिंग एवरी पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न फिर आपको कैश रिसीव्ड दिया है मटीरियल साइड दिया है मटेरियल रिटर्न दिया है ठीक तो है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तक यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पॉइंट्स हमारे डेबिट के हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टॉप पे मेंशन करते हैं कैश रिसीव्ड का कुछ भी काम नहीं है कैश रिसीव्ड अभी हम, हम हमारे फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे लेकिन देखो इधर वर्क सर्टिफाइड नहीं है तो वर्क सर्टिफाइड में आपको पहले कैलकुलेट करना सिखाता हूं सर्टिफाइड कैसे कैलकुलेट अगर हम पहले कॉन्ट्रैक्ट पी की बात करें तो वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना है हमें तो यहाँ पे आई विल मेंशन दिस वर्क सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट का काम करते अच्छे पेज पे ही कैलकुलेट ठीक है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क सर्टिफाइड बिकॉज क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया तो वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैश रिसीव्ड काफी सिंपल फॉर्मूला है याद रखना कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव सिंपल फॉर्मूला क्या फॉर्मूला कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव अब देख लो एक बार क्वेश्चन में देखते हैं। देखो कैश रिसीव दिया है यहाँ पे वैल्यू एट्टी परसेंट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड और यहाँ पे वैल्यू दिया है नाइन्टी लैक्स ठीक है कैसे करना है इसको सॉल्व देखो अभी इसको कैसे करना है बताता तो, हूँ काफी सिंपल है यहाँ पे हमें क्या करना है कैश रिसीव है हमारा नाइनटी परसेंट नाइन्टी लैक्स को डिवाइड करना है एट्टी परसेंट से ठीक है नाइन्टी लैक्स को किससे डिवाइड करना है एट्टी परसेंट काफी सिंपल कैलकुलेशन है कैश रिसीव्ड है हमारा नाइन्टी लैक्स और उसे हम डिवाइड करेंगे हमारे कैश रिसीव्ड के परसेंटेज से तो कैश रिसीव्ड का परसेंटेज आता है दिया हुआ एट्टी परसेंट तो हमको यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू मिल जाएगी वन करोड़ ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है वन करोड़ ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड ये आपका वर्क सर्टिफाइड आ गया फर्स्ट वाला ठीक है दिस इज ऑफ पी यहाँ पे क्यू का भी कर लेते हैं क्यू के लिए भी सॉल्व कर लेंगे देखो क्यू के लिए एक बार देख लेते हैं क्यू के लिए क्या है आपका कैश रिस्यूड वन करोड़ फोर्टी फोर लैक्स चलो फिर उसको प्रेजेंट कर लेंगे वो भी कर लेते हैं एक बार ताकि बाद में तो करना ही है इसको वन करोड़ फोर्टी फोर लैक्स इज द कैश रिस्यूड डिवाइडेड बाय एट्टी परसेंट इज द वैल्यू तो वन करोड़ फोर्टी फोर लैक्स को अगर एट्टी परसेंट से डिवाइड करोगे यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगा वन करोड़ एट्टी लैक्स अवर तो कैश रिसीव्ड सॉरी दिस इज अवर वर्क सर्टिफाइड फॉर सेकेंड पॉइंट तो ये हमको वर्क सर्टिफाइड मिल गया ये भी हमको वर्क सर्टिफाइड मिल गया अभी यही वर्क सर्टिफाइड का अगर हम फोर परसेंट ढूंढेंगे तो हमें आर्किटेक्ट फीस आ जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो आर्किटेक्ट फीस के बारे में क्या बोला था एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ देखो फर्स्ट में भी बोला है फोर परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड सेकेंड में भी बोला है फोर परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो यहाँ पे आर्किटेक्ट फीस के ब्रैकेट में एक लिख लेंगे आर्किटेक्ट फीस क्या बोला है आपको फोर परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे लिख लेंगे फोर परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड दैट इज द वैल्यू फोर लैख फिफ्टी था ठीक है फिर सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस तो क्वेश्चन में से लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में से लिखा अभी डेप्रिसिएशन कैसे लिखना है देखो काफी सिंपल पॉइंट है देखो प्लांट की वैल्यू कितनी है फिफ्टी लैक्स है कितनी है प्लांट की वैल्यू फिफ्टी लैक्स डेप्रीसिएशन कितना परसेंट है ट्वेंटी परसेंट और कॉन्ट्रैक्ट पी जो है वो कितने मंथ्स का है ट्वेल्व मंथ्स का ही कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्टी लैक्स पे ट्वेंटी परसेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले फिफ्टी लैक्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी परसेंट इज द डेप्रीसिएशन तो दैट वैल्यू विल बी वैल्यूलैक्स ठीक है इतना हमने लिख लिया ये हमने क्वेश्चन में से लिखा है अगला पॉइंट बाद में बताता हूँ कैसे लिखा है तो सबसे पहला स्टेप है आपको सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है जो डेबिट साइड में लिखने हैं देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखना है डब्ल्यू आई पी कॉल्ट एस वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस में दो पॉइंट्स आते हैं एक होता है वर्क सर्टिफाइड और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड आपके क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर लिया अभी वही वैल्यू इधर लिखी है वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में नहीं दिया था तो डैश होगा तो याद रखना वर्क सर्टिफाइड कभी भी डैश नहीं होगा वर्क सर्टिफाइड में अमाउंट आएगा फिर एक आपका है मटेरियल सेट साइड दिस इज व्हाट दिस इज द क्लोजिंग मटेरियल सेट साइड मतलब जैसे हम अकाउंट्स में हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं वैसे इतना मटेरियल्स जो इशू किया था स्टार्टिंग में फोर्टी फोर लैख फिफ्टी का उसमें से इतना बच गया दैट इज फोर लैख फिर मटीरियल रिटर्न भी है रिटर्न भी मैंने क्रेडिट साइड लिखा अब मैंने आपको क्या बताया था हमने एक एडजस्टमेंट देखा था देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यू से फोर्टी फाइव थाउजेंड के मटीरियल ट्रांसफर हुए किसने किसे ट्रांसफर किया कॉन्ट्रैक्ट क्यू ने ट्रांसफर किया कॉन्ट्रैक्ट पी को तो कॉन्ट्रैक्ट क्यू के क्रेडिट साइड लिखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पी के डेबिट साइड लिखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट contract... देखो कॉन्ट्रैक्ट हम पी बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पी कितने मंथ्स का था कॉन्ट्रैक्ट पी जो था हमारे ट्वेल्व मंथ्स का था ठीक है सिंपल कैलकुलेशन है तो वी हैव है कॉन्ट्रैक्ट पी के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे टू मटीरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यू कहां से लाया कॉन्ट्रैक्ट क्यू से लाया फोर्टी फाइव थाउजेंड ये जो पॉइंट है लास्ट लिखा हुआ दिस इज दी एडजस्टमेंट तो अभी हम जब कॉन्ट्रैक्ट क्यू बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट क्यू के क्रेडिट साइड लिखेंगे ठीक है काफी सिंपल है नाउ वी हैव टू क्लोज दिस अभी हमें अकाउंट्स को अकाउंट को क्लोज करना है और ध्यान रखना जब भी आपका डेबिट साइड बड़ा आएगा तो यहाँ पे डेबिट साइड बड़ा है सो डेबिट साइड टोटल वी आर गेटिंग थर्टी एट थाउजेंड सॉरी वन करोड़ थर्टी एट लैक्स नाइनटी नाइन थाउजेंड तो आई है थर्टी एट लैक नाइनटी नाइन थाउजेंड ऑन द बोथ दी साइड्स फिर आपको ये ट्वेंटी टू लैख नाइनटीन थाउजेंड का बैलेंसिंग फिगर मिला है एंड दिस इज द लॉस इसीलिए ये ट्रांसफर होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग तो डू रिमेंबर दिस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जब कभी भी क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तब वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में बैलेंस आता है फिर उसके लिए अलग कंसेप्ट है नोशनल प्रॉफिट का वो मैं आपको अगले वाले पॉइंट में करवाता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट पी हमारा हो चुका है आई रिपीट द स्टेप्स अगेन वेरी सिंपल कैलकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट पी जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे डेबिट में लिखो तो सारे डेबिट में लिखने के बाद क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड फिर जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटीरियल्स है वो एंड वी विल ऑल्सो राइट द मटीरियल्स रिटर्न इफ इट इज गिवन मटीरियल रिटर्न है मटीरियल स्टोलन है वो लिखेंगे प्लांट की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे बिकॉज प्लांट के ऊपर हम सीधा डेप्रिसिएशन ही लिख रहे विल बी राइटिंग डायरेक्टली डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दैट इज शॉर्टकट मेथड अगर आप प्लांट डेबिट में प्लांट क्रेडिट में लिखोगे तो भी आंसर आपका यही आएगा तो इसके लिए सिंपल मेथड आप सीधा डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं देन इफ वी हैव एनी एडजस्टमेंट एज मटीरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर तो वी हैड एन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट मटीरियल वे ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट क्यू टू कॉन्ट्रैक्ट पी तो कॉन्ट्रैक्ट क्यू से कॉन्ट्रैक्ट पी में ट्रांसफर हुए तो हमने क्यू के क्रेडिट साइड में लिखना है और पी के डेबिट साइड में मैंने लिख दिया तो उसके बाद हमने क्लोज कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर आया ट्वेंटी टू लैक्स नाइनटीन थाउजेंड ठीक है 22, 19, चलो अभी अगले पॉइंट में बढ़ते हैं काफी इंपॉर्टेंट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नई है और ध्यान रखनी है तो कॉन्ट्रैक्ट क्यू जो है दैट इज ऑफ हाउ मेनी मंथ्स टेन मंथ मतलब ये डेप्रिसिएशन टेन मंथ्स का यहां पे कैलकुलेट तो अगेन द सेम स्टेप आई हैव रिटर्न देखो मटीरियल इशूड से लेके हमने यहाँ पे लिख लिया है और ये जो आर्किटेक्ट फीस है ये आपके फोर परसेंट का वैल्यू आता है वर्क सर्टिफाइड के ऊपर तो वर्क सर्टिफाइड हमने काउंट कर लिया था एक करोड़ अस्सी लाख एक करोड़ अस्सी लाख के ऊपर अगर आप फोर परसेंट ढूंढोगे तो आपको सेवन लाख ट्वेंटी आ जाएगा सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अभी डेप्रिसिएशन चलो डेप्रिसिएशन ढूंढ के बता दो तो. क्वेश्चन में देखोगे तो प्लांट इशूड सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में कितना है तो यहाँ पे दिख रहा है इट्स सिक्सटी लैक्स तो सिक्सटी लैक्स पे हमें डेप्रीसिएशन काउंट करना है लेकिन सिक्सटी लैक्स पे डेप्रीसिएशन कितने मंथ्स का होगा टेन मंथ्स का होगा यहाँ पे मैं लिखता हूं सिक्सटी लैक्स मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी परसेंट लेकिन हाउ मेनी मंथस मंथ्स का है तो टेन बाय ट्वेल्व तो आपको डेप्रीसिएशन की वैल्यू आ जाएगी टेन लैक्स ठीक है अगेन वी विल राइट द सेम ऑन द क्रेडिट साइड वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे तो हमने कैलकुलेट किया वर्क अनसर्टिफाइड डैश है मटीरियल्स साइड भी आपका जो क्वेश्चन का है वो वैल्यू लिखा मटेरियल्स रिटर्न भी लिखा है यहाँ पे एक और एक पॉइंट है बाय मटेरियल्स ट्रांसफर टू पी तो मैंने आपको बताया था कि क्यू ने ट्रांसफर किया पी को तो क्यू के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और पी के कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में लिखें ठीक है तो यहाँ पे हमने मटेरियल्स ट्रांसफर टू पी फोर्टी फाइव थाउजेंड लिखा अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना अभी हम थोड़े से कैलकुलेशंस करने वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए द नोशन प्रॉफिट वी आर गेटिंग यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ा है तो दिस क्रेडिट साइड इज मोर ये क्रेडिट साइड का टोटल आता है करोड़ लाख तो ये टोटल मैंने दोनों साइड लिखा देखो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा था डेबिट साइड बड़ा था इसलिए बैलेंसिंग फिगर वी वे आर गेटिंग ऑन द क्रेडिट साइड तो याद रखना बहुत सिंपल है लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपको डेबिट साइड बड़ा होके क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर मिलेगा तो द होल वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस सीधा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में वो ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर हमको क्रेडिट साइड बड़ा मिलता है और डेबिट साइड जो है वो डेबिट साइड की वैल्यू जो है वो बैलेंसिंग फिगर मिलती है तो यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा नहीं जाता ये जो बैलेंसिंग फिगर मिला है इसको हम पहले नाम देंगे टू नोशनल प्रॉफिट डाउन जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैरीडाउन कैसा करते हैं वैसे ही उन वी गॉट दें थर्टी सेवन लैक एट्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड द सेम वैल्यू वी नीड टू राइट बिलो द टोटल तो टोटल के नीचे हमको लिखना है बाई नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन सेम वैल्यू मैंने लिखी है थर्टी सेवन लैक्स एट्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड अभी इस थर्टी सेवन लैख एट्टी नाइन एट हंड्रेड में से हम कुछ प्रोफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे कुछ हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे अभी ये कैसे करेंगे ध्यान से समझना पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं एक वर्किंग नोट आता है लेवल ऑफ कंप्लीशन ठीक है क्या है वर्किंग नोट लेवल ऑफ कंप्लीशन जिससे हम परसेंटेज ढूंढेंगे और फिर बाकी का सॉल्व करेंगे लेवल ऑफ कंप्लीशन मतलब इसको एक शॉर्ट फॉर्म भी है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल ओसी फॉर्मूला काफी सिंपल है वर्क सर्टिफाइड क्या है फॉर्मूला वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो आपको सबसे पहले क्या करना है वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड करना है सेकेंड so में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखें तो तीन करोड़ है यहाँ पे मैंने शायद सेम ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे तीन करोड़ है थ्री करोरस ठीक है वर्क सर्टिफाइड कितना वन करोड़ एटी लैक्स तो फिर यहाँ पे सब करते वन करोड़ एटी लैक्स डिवाइडेड बाय थ्री करोर ध्यान से बहुत सारे जीरो जीरो है मल्टीप्लाइड by हंड्रेड ठीक है सबसे सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन जीरो में गड़बड़ मत कर देना वन करोड़ एट्टी लैक्स डिवाइडेड बाय थ्री करोड़ इंटू हंड्रेड ठीक है इसका परसेंटेज जो मिलेगा उसी से हमको सारी चीजें कैलकुलेट इसका परसेंटेज आता है सिक्सटी परसेंट तो ध्यान रखना अभी हमने एक रूल पढ़ा था स्टार्टिंग में जब थियोरी करवाया था अगर ये जो एल है लेवल ऑफ कंप्लीशन ये अगर ट्वेंटी फोर परसेंट तक आता है इफ इट इज अप टू ट्वेंटी फोर परसेंट देन फुल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व तो क्या करेंगे हम पूरा प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे अगर हमारा ये जो एल है ये पच्चीस से लेके 49% के बीच में आता है तो फिर हम वन थर्ड प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे उसके लिए फॉर्मूला हैल्टीप्लाइड बाय कैश रिस्टूड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड ये हम किसके लिए करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के आंसर को ढूंढने के लिए फिर तीसरा अगर आपका एलओसी 50 परसेंट या उससे अब जाता है ऊपर वाला ही फॉर्मूला लिखना है सिर्फ वन थर्ड के जगह पे टू थर्ड करना है थर्ड मल्टीप्लाइड बाय नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड अब ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ सॉल्व कर रहा हूं तो अभी हमें आंसर कितना मिला सिक्सटी परसेंट मतलब ये थर्ड कैटेगरी में बैठ रहा है तो थर्ड कैटेगरी में आ रहा है तो पी एंड एल कैसे ढूंढेंगे पी एंड एल इक्वल टू फॉर्मूला टू थर्ड मल्टीप्लाइड बाय नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड तो टू थर्ड है आपका टू थर्ड मल्टीप्लाइड बाय नोशनल प्रॉफिट हमें कितना मिला था तो नोशनल प्रॉफिट हमें आया था थर्टी सेवन लाख एट्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड देख लेते एक बार तो so आपका कैश रिसिव देखो एक बार फर्स्ट में कैश रिसिव है वन करोड़ 44 ,00 ,00, आपका कैश रिस है और वर्क सर्टिफाइड वन करोड़ 80 लैक्स आपका वर्क सर्टिफाइड बराबर वन करोड़ फोर्टी फोर लैक्स यहाँ पे आ जाएगा वन करोड़ फोर्टी फोर लैक्स डिवाइडेड बाय वन करोड़ 80 लैक्स इतने बड़े बड़े अमाउंट्स हैं तो ऐसे अमाउंट्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप डिवाइड करो मतलब कैसे करो वन करोड़ फोर्टी फोर लैक्स को पहले वन करोड़ एटी लैक्स से डिवाइड करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो थर्टी सेवन लैख एटी नाइन एट हंड्रेड फिर उसका टू थर्ड ढूंढो ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा आंसर आपको मिलेगा पॉइंट में आता है ट्वेंटी लैक्स ट्वेंटी वन थाउजेंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन इज योअर प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव कैल्कुलेटेड तो लेटर्स राइट दिस ओवर हियर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इस आमने लिखेंगे से ये हमने कैलकुलेट किया है तो so यही वैल्यू को अभी हम यहाँ पे लिखेंगे थर्टी सेवन लाखी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड इज द टोटल ऑफ दी साइड्स तो थर्टी सेवन लाखी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड इसमें से अगर ये ट्वेंटी लाख 21227 माइनस करेंगे तो आपको यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा तो एक राउंड कर लेता हूं बैलेंसिंग फिगर के लिए ये मिल जाएगा 17 लाख 68000 570 3 सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर व्हिच विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व अकाउंट तो पहला जो पॉइंट था वो पी एंडल में बाकी का जो बचा है वो रिजर्व में ट्रांसफर होगा इसी तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट सॉल्व करना है पेपर में तो एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लेकिन आपको एमसीक्यू बेस के लिए भी ये चीजें पता होनी चाहिए दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर